शेखपुरा के बरबीघा में भाजपा के कार्यकर्ता आज मानसूनी बरसात के बावजूद घर घर जाकर भाजपा के कार्यशैली के बारे में लोगों को समझाया। बरबीघा बाजार के चंदू कुआं के पास क्षेत्र में प्रधानमंत्री के 6 साल के कार्यक्रम के बारे में बताए गए पत्रक का वितरण किया गया। भाजपा नेत्री डॉक्टर पूनम शर्मा घर घर जाकर लोगों को समझा रही थी, बता रहे थे कि भाजपा की नीति और प्रधानमंत्री का उद्देश्य क्या है। हम लोग का भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता अभी अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के हर घर मोदी के नाम से हम लोग मोदी जी के द्वारा लिखा गया एक पत्र है जो सभी को हम लोग दे रहे हैं। हमारा मकसद है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो दूसरी टर्म में इस बार आए हैं उनका ये स्वर्णिम काल बने और इन्होंने जो योजना दिया है हम सभी के लिए उस कहाँ तक फलीभूत हुआ है। मसलन बहुत दिनों से जो मुद्दा चल रहा था अयोध्या मामले का, हमारे हलाला का, तलाक का, या फिर बहुत तरह के इस तरह का मुद्दा बहुत लंबित था जिसे मोदी जी ने एक पल में ही दूर किया और लोगों तक ये बात हमारे विरोधी जाने नहीं दे रहे हैं कि मोदी जी ने क्या किया, उस पर हल्ला मचाए हुए हैं। तो ये सभी बातें हम उसके घर तक जा कर के उन लोगों तक इस पत्र के माध्यम से पहुँचा रहे हैं। क्या पब्लिक, अभी चुनावी माहौल चल रहा है, पब्लिक क्या इस संदेश को क्या कुछ बता रही है, क्या कुछ आपको कहना चाहिए? पब्लिक का तो हमने देखा है, हमारे तो बरबीघा के काफ़ी पूरे क्षेत्र में, पूरे शेखपुरा जिला में और इवन कि हम नवादा जिला में भी जाते हैं तो लोगों का रुझान मोदी जी के ही तरफ है और सभी ने ये कह रखा है कि बस कोई विकल्प नहीं है, हम नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री मानते हैं और उनके ही नेतृत्व में हम विधानसभा चुनाव को भी देख रहे हैं कि उसमें भाजपा ज़्यादा से ज़्यादा आए। क्या लगता है मैडम कि बरबीघा विधानसभा क्षेत्र ये बीजेपी के सीट में ही जाएगी? बरबीघा विधानसभा क्षेत्र बीजेपी के सीट आएगा कि नहीं ये तो बात की चीज़ है, चुनाव की बात है। ये अभी गठबंधन में हम लोग हैं, नीतीश जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष और केंद्र के नेतृत्व सभी मिलकर के जो भी जिस भी तरह का निर्णय लेंगे हम लोग सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ रहेंगे। लेकिन हम भी चाहेंगे, हमारी चाहते होंगी कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि हमारा भी मकसद है कि हम 243 विधानसभा सभी पर हम लड़ें तो क्यों नहीं हमारे बरबीघा विधानसभा भी इसमें आ जाए, हमारे भी ये चाहते हैं। लेकिन जो भी होगा निर्णय हमारे हित में, देश के हित में, प्रदेश नेतृत्व का, केंद्र नेतृत्व का और हमारे गठबंधन सरकार का होगा।